अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए आज मैं आपको मसरों की दाल बनाने की रेसिपी दूंगी। मसर की दाल यहाँ पे मैंने एक कप ली है, लेकिन मैं दो कप बनाऊंगी। सेम इसी तरह आप एक कप लेके फिर दूसरा कप लेके, तो आपने इसको अच्छी तरह से धो के तो भिगो देनी है। इसको इतनी देर भिगोने की ज़रूरत नहीं, जस्ट आपने वॉश करनी है और इसको आपने अपनी देसकी में डाल देना है। तो जो जो चीज़ें मैं इसके अंदर शामिल करूँगी वो मेरे पास हैं, ये है रेड चिली पाउडर है, टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट है, और ये मेरे पास गार्लिक है जो कि मैं इसके अंदर साबुती ऐड करूंगी। और फिर बघार के लिए मैंने ये लिया है जीरा, वन टीस्पून, सॉरी हाफ टी स्पून लिया है। ये थोड़ी सी साबुत लाल मिर्च है मेरे पास, और ये करी पत्ता बे लीफ है, और ये गार्लिक बघार के लिए। तो सबसे पहले मैं ये करूंगी कि दाल को धो के एक पैन में चढ़ा दें, फिर ये सारे मसाले जो है उसके अंदर इसी तरह डाल दें। बचने के लिए ये भी कर सकती हैं कि मसाला डालने से पहले इसको बॉईल कर ले, तो जब ये पकना शुरू हो जाए तो इसके ऊपर व्हाइट सी झाग आएगी, वो चम्मच से आप इसको हटा के तो फेंक सकती हैं। तो उस तरह भी आप कर सकती हैं, और इस तरह से भी दोनों तरीकों से आप ये कर सकती हैं, ठीक है। अब इसके अंदर बॉईल आ चुका है, तो मैं इसकी आंच जो है वो लो कर दूंगी। लो करने के बाद फिर मैं इसके ऊपर लिड रख दूंगी और इसको हल्की आंच पर पकने दूंगी। और बहुत ध्यान रखिएगा, लिड रखने के बाद इसको चेक जरूर करती रहिएगा कि एकदम इसके अंदर बॉईल आके आपकी दाल कहीं गिर ना जाए, ठीक है जी। तो आप देख सकती हैं कि हमारी दाल 5 मिनट्स के अंदर अंदर बिल्कुल रेडी भी हो गई है, लहसुन वगैरह सब कुछ अच्छे तरीके से घुल गया है। अब आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है इस तरह से चम्मच की मदद से, ताकि ये दाल जो है घुल जाए अच्छी तरह से। ये देखिए इस तरह से ये होगी। तो ये चावलों के साथ तो ये बहुत ही मजे की लगती है, आप रोटी के साथ भी इसको ले सकती हैं, नान के साथ भी ले सकती हैं। बस आपने अच्छे तरीके से इसको घोल लेना है। जितनी देर ये घुलती है, उसी साइड पे मैंने एक पैन लिया है, इसके अंदर मैंने तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून मैंने ऑयल ऐड किया है। तो साथ ही मैं इसके अंदर ये जो मैंने आपको चीजें बताई थी, गार्लिक, और ये गार्लिक को मैं बारीक बारीक सा काट, इस तरह से मैंने राउंड सा इसको काट लिया बारीक बारीक सा। बस आपने ये करना है कि साथ ही ऑयल जब गर्म होने लगे पैन में, तो आपने ये सारे मसाले जो है इसके अंदर डाल देने हैं। डालने के बाद बस हमने इसको लाइट सा ब्राउन करना है, बहुत ज्यादा हम इसको डार्क नहीं करेंगे, क्योंकि डार्क करने से इसका जो टेस्ट है वो बहुत खराब सा दाल में आएगा। ये इसका बघार जो है ये रेडी हो रहा है, देखिए ये जो गार्लिक था ये लाइट सा ब्राउन भी हो चुका है, लेकिन अभी हम इसको थोड़ा सा और ब्राउन करेंगे ताकि हम इसको दाल के अंदर डालें तो ये बहुत ही मजे की लगे। आप इसके अंदर दाल के अंदर जो है वो कोरिएंडर भी डाल सकती हैं, क्योंकि इसकी शक्ल और अच्छी बनेगी अगर आप कोरिएंडर काट के बारीक बारीक डालें। तो बस अब
आप खाना चाहें आप खा सकती हैं। जी नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की आपको मेरी ये दाल की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी।